टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां आगरा ऑक्सीजन कांड में बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि महामारी एक्ट में अस्पताल संचालक पर केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि 5 धाराओं में अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन कांड में 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज प्राइम टीवी की खबर का इस वक्त बड़ा असर देखने को मिला है, जहां आगरा ऑक्सीजन कांड में प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि महामारी एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वहीं इसी मामले पर तमाम जानकारी के लिए आगरा ब्यूरो चीफ अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो 22 गंभीर मरीजों के साथ में जो मॉक ड्रिल किया गया था ऑक्सीजन बंद करके, ऐसे गंभीर विषय पर कल जब वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से लगातार आज दोपहर 2 बजे तक जांच चली। जांच के बाद में वहां अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से ये कहते हुए चले गए थे कि इसको सील किया जाएगा और संबंधित जो इसकी धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लगातार प्राइम टीवी द्वारा भी इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया था, जिसका एक खास असर हुआ है। और अब शाम को आते आते शाम होते होते हॉस्पिटल को तो फिलहाल अभी सील नहीं किया गया, लेकिन अरिंजय जैन जो हॉस्पिटल के संस्थापक के संचालक है, उनके खिलाफ 5 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। और बाकी उसके अंदर 55 जो मरीज हैं, गंभीर हालत के मरीज हैं, अभी उनको कहीं शिफ्ट नहीं किया गया है। तो फिलहाल उनको देखते हुए अभी उस हॉस्पिटल को सील नहीं किया गया है। उससे पहले जो वहाँ पेशेंट है उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद में कल दोपहर तक ये कार्रवाई अपनी पूरी कर पाएगा प्रशासन। जी, तो जिस प्रकार से इस वक्त अरिंजय जैन पर इस वक्त 5 धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, तो अब प्रशासन के आगे क्या कुछ कार्यवाही देखी जाएगी? जी बिल्कुल, अभी इसमें 5 फिलहाल तो अभी महामारी एक्ट सहित 4 अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। लेकिन जो वायरल वीडियो जो बता रहा है, जिस तरीके से कि 22 लोगों के साथ के जीवन के साथ में जो खिलवाड़ किया गया है, उसके आधार पे अभी और जांच इसमें बाकी है। और आगे संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि 302 के तहत जो मुकदमा है, धारा बनती है कि आदमी को मारने के लिए, तो वो शायद इसमें शायद गंभीर धारा बढ़ने के चांसेस है अभी इसमें। आगरा से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन कांड में श्री पारस हॉस्पिटल के संचालक पर 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।